नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार सक्रिय होती नजर आ रही हैं। एक तरफ देखा जाए तो 13 राज्यों के राज्यपाल का तबादला कर दिया, उसके साथ साथ आदिवासियों की मसीहा कही जाती है, आदिवासियों के लिए आवाज उठाती रहती है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती रहती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने साफ तौर पर यह बात भी कही है कि आप महिलाओं को जो है बच्चे संभालने का एक उपकरण या मशीन ना समझें। महिलाओं को अगर आप जो है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनका साथ देंगे, तो वो संवैधानिक पदों पर भी पहुंच सकती हैं और देश का नेतृत्व भी कर सकती हैं। यानी कि महिलाओं की मसीहा भी राष्ट्रपति मुर्मू कही जाती हैं। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश पहुंची थी, राजस्थान पहुंची थी, लेकिन अब 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक, जी हां, यहां पर बीकानेर पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। और कहीं ना कहीं जो एक मार्च में इनका एक प्रोग्राम जो होने वाला है 25 फरवरी से 5 मार्च तक, इसमें बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कह सकती हैं। और ये तमाम सवाल यहाँ पर उठते हैं, क्या यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री से आह्वान किया जाएगा, क्या देश के प्रधानमंत्री से अपील की जाएगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो किसानों का मुद्दा जब सामने आया था, देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी और इस्तीफे की उनसे मांग की गई थी। वहीं देखा जाए तो मोदी अदानी के जो भाई भाई के नारे लग रहे हैं, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। ये साफ तौर पर नहीं कहा है कि मैंने अडानी का साथ नहीं दिया, जबकि विपक्ष इसका एक के बाद एक बड़ा खुलासा करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री से यहां पर देश के प्रधानमंत्री जनता से माफी मांगेंगी या फिर राष्ट्रपति मुर्मू यहां पर अपील करेंगी देश के प्रधानमंत्री से, कयास के तौर पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि क्या कुछ होने वाला है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में होने जा रहा है, जहां इस महोत्सव में राष्ट्रपति मुर्मू शिरकत करेंगी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से ये आयोजन इस साल बीकानेर में हो रहा है। देश के कोने कोने से 500 से अधिक कलाकार बीकानेर में इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस आयोजन को बहुत खास बनाना चाहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब ये आयोजन शुरू होगा तो राष्ट्रपति मुर्मू अपने भाषण का शुरुआत कैसे करेंगे, स्पीच में सबसे पहले क्या बोलेंगे। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक भी हुई थी। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके का प्रशासन राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में लगाया जाएगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।